नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा तोमर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने द लेट नाइट शो में। तो सर्दी का मौसम आ चुका है, घड़ी में 9 बज रहे हैं और संडे का दिन, तो आप में से कई लोग गरम गरम चाय और कॉफ़ी के साथ रजाई में इस शो का आनंद ले रहे होंगे। खैर, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इस शो के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं और हमें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ने से पहले अपने पिछले एपिसोड के विनर की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस शो के रूल्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए, यानी कि आपको सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर एक ही कमेंट में देने हैं और वो भी एक घंटे के अंदर। तो कमेंट्स हमारी स्क्रीन पर हैं, चलिए देखते हैं कि किस किसने क्या कमेंट किए हैं और आज का कौन होने वाला है विनर जो जीतेगा 1000 का इनाम। तो सबसे पहला कमेंट है रियलिटी शो के नाम से, प्रभास फैंस लाइक कर दो। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड में प्रभास का एक अलग ही रुतबा है और सभी उनसे बेहद प्यार करते हैं। जब से वो बाहुबली में नजर आए हैं, हर कोई उनका फैन है, तो ऐसे में यहाँ पर प्रभास के लिए प्यार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंट है बीसी ब्रो का, मैनी क्रोर्स मैनी ऑफर्स लेस देन बजट ऑफ मूवी। नेक्स्ट कमेंट है एफएफ स्टूडियो के नाम से, हिट लाइक हु लाइक प्रभास, यानी कि हर कोई चाहता है कि उनके कमेंट को लाइक किया जाए। नेक्स्ट कमेंट है रमजान एसके का, इन्होंने हमारे रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है और पूरे 10 क्वेश्चंस के आंसर एक ही कमेंट में दिए हैं। अब मैं इनके आंसर्स को आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिखा है 6.50 बिलियन ओवर। तो कल का पहला सवाल था कि बाहुबली ने दुनिया भर में कितने करोड़ की कमाई की, और रमजान एसके ने जवाब दिया है 6.50 बिलियन, यानी कि आपका जवाब एकदम करेक्ट है। कल का दूसरा सवाल था, प्रभास के पास शादी के लिए अब तक लगभग कितने हजार ऑफर आए हैं। रमजान ने जवाब दिया है 6000, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका ये जवाब गलत है, प्रभास को 5000 ऑफर आए हैं। हमारा कल का तीसरा सवाल था, प्रभास को बाहुबली के लिए कितने करोड़ फीस मिली है। रमजान ने आंसर दिया है 25 करोड़, यानी कि ये भी सवाल आपका एकदम करेक्ट है। हमारा कल का चौथा सवाल था, प्रभास की आने वाली फिल्म का नाम क्या है जिसमें वो काम करने जा रहे हैं। तो रमजान ने जवाब दिया है जान, यानी कि ये भी जवाब आपका एकदम करेक्ट है। हमारा पांचवा सवाल था, बाहुबली 2 का म्यूजिक कितनी भाषाओं में रिलीज किया गया। तो रमजान ने जवाब दिया है 4 languages, यानी कि ये भी जवाब आपका करेक्ट है। हमारा छठवां सवाल था, बाहुबली 2 को कितनी स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। तो रमजान ने जवाब दिया है 1645 स्क्रीन, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भी जवाब आपका गलत है। बाहुबली 2 को कुल 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। हमारा सातवां सवाल था, जियो रे जियो बाहुबली को किसने गाया था। तो रमजान ने जवाब दिया है दलेर मेहंदी, संजीव और राम्या, यानी कि ये भी जवाब आपका एकदम करेक्ट है। हमारा आठवां सवाल था, हिंदी में बाहुबली 2 की साउंड ट्रैक को कब रिलीज किया गया था। तो रमजान ने जवाब दिया है 5th of April 2017, यानी कि ये भी जवाब आपका एकदम करेक्ट है। हमारा नौवा सवाल था, भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध कितने वर्ष बाद हुआ। तो इसका जवाब रमजान ने दिया है 25 ईयर्स, यानी कि ये भी जवाब आपका एकदम करेक्ट है। हमारा आखिरी और दसवां सवाल था, बाहुबली 3 क्यों बननी चाहिए, और हमने बोला था कि इस जवाब को आप कम से कम 10 लाइनों में दीजिएगा। तो रमजान लिखते हैं कि अमरेंद्र की लव स्टोरी अभी बाकी है। वेल, इन्होंने ज़्यादा शब्दों में तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन जितना भी इन्होंने कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है माला कुमारी का, इन्होंने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो भी गलत, 1810 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। ये जवाब बिल्कुल गलत है, और हमने पहले भी जैसे कहा है कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर एक ही कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है लवकुश कुमार का,
लवकुश कुमार लिखते हैं, महेंद्र बाहुबली ने जिस लड़की से प्यार किया उसकी लव स्टोरी तो अभी बाकी है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि बाहुबली 3 की स्टोरी में हमें ये दिखाया जाए कि महेंद्र बाहुबली और उस लड़की के बीच प्यार का परवान कब चढ़ा। सो बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है बेपॉन एसके का। सो इन्होंने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही कमेंट में दिए हैं और इनका कमेंट भी कुछ कुछ हमें सिमिलर लग रहा है रमजान एसके के कमेंट की तरह। सो रिपीट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कमेंट है कोमल प्रेमा का। इन्होंने लिखा है क्रिश 4 लाइक मूवी। समझ नहीं आ रहा है कि ये किस मूवी के बारे में और कहाँ बात कर रही हैं। खैर बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट फिर से माला कुमारी का है। उन्होंने लिखा है 8000 प्लस स्क्रीन। कुछ कुछ ये जवाब के सिमिलर गई हैं, लेकिन हमने जैसा कि पहले बताया आप सभी क्वेश्चंस के आंसर एक ही कमेंट में कीजिए ताकि हमें भी कलेक्ट करने में आसानी रहे। वेल, बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट कमेंट है रिकी खोसला का। रिकी खोसला कहते हैं कि आई एम सुपर एक्साइटेड, यानी कि ये बाहुबली 3 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वेल, अगला कमेंट फिर से माला कुमारी का है। उन्होंने लिखा है 30 करोड़। तो हम फिर से दोहराएंगे कि आप प्लीज़ सभी कमेंट्स एक ही कमेंट में कीजिए। तो दोस्तों अब बारी आ गई है विनर के अनाउंसमेंट की। तो आज के विनर है रमजान एसके। मुबारक हो रमजान आपको, आप जीत गए हैं 1000 रुपये। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर फुल डिटेल के साथ हमें मेल कीजिए और हमारी मेल आईडी है bolikrat.fti@gmail.com। तो आज हम अपनी क्विज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए फिर से 10 सवाल लेकर आए हैं ताकि आपको फिर से 1000 रुपये जीतने का मौका मिले। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म ने 300 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। वहीं अब ऋतिक रोशन अपनी मच अवेटेड फिल्म क्रिश 4 की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने 2003 में कोई मिल गया से सुपर हीरो वाली इमेज की शुरुआत की थी। बाद में इसके 2 सीक्वल्स आए, क्रिश और क्रिश 3। सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़के की कहानी थी जो उम्र में तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा रह जाता है और इस वजह से उसे सब सताते हैं। लेकिन एक दिन एक एलियन धरती पर आता है, जादू। वो जादू रोहित को असीम शक्तियां देकर जाता है। तो दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है। अपने पिता की तरह उसमें भी असीम शक्तियां होती हैं। अब क्रिश सीरीज की 4th इंस्टॉलमेंट आने वाली है। तो दोस्तों आज हमारे जो 10 सवाल होने वाले हैं वो हमारे सुपरस्टार सुपर हीरो ऋतिक रोशन के बारे में होंगे। तो गौर से सुनिएगा, हमारा पहला सवाल है ऋतिक रोशन की पत्नी कौन थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है ऋतिक रोशन की पहली फिल्म का क्या नाम था। हमारा तीसरा सवाल है वॉर फिल्म में ऋतिक रोशन के किरदार का क्या नाम है। हमारा चौथा सवाल है कहो ना प्यार है में सबसे पहले किस एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, किस एक्ट्रेस को कहो ना प्यार है फिल्म के लिए सबसे पहले ऑफर किया गया था। हमारा पांचवा सवाल है क्रिश 3 में काया का रोल किस अभिनेत्री ने किया था। हमारा छठवां सवाल है क्रिश 3 में ऋतिक रोशन ने कितने रोल किए थे। तो हमारा सातवां सवाल है क्रिश सीरीज में सोनिया मेहरा का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था। हमारा आठवां सवाल है कोई मिल गया फिल्म में जॉनी लीवर यानी कि कॉमेडी के सरताज, उनके द्वारा निभाए गए रोल का नाम क्या था। हमारा नौवां सवाल है कोई मिल गया फिल्म में हंसिका मोटवानी ने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था। हमारा आखिरी और दसवां सवाल है क्रिश 4 की कहानी आपके अनुसार क्या होनी चाहिए। और आप इस सवाल का जवाब भी कम से कम हमें 10 लाइनों में दे सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और सभी सवालों के जवाब दीजिए ताकि आप जल्द से जल्द जीत पाए 1000 का इनाम। आज के लिए अलविदा, कल फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।